जी तमाम दोस्तों का की हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। अज आप 240 MF 240 के उपर गलबात करते हैं जी कि यदि स्टारिया के बारे में दोस्तों दस रहे हैं कि यदि स्टारिया जीडिया ये अंदर होंदिया वा की कमाल हों और किस तरह वर्क कर दी वा। ठीक है जी, ये बारे में दोस्तों अभी मैं दसदा वा कि जो आप टेस्ट ना ज्यादती करते हैं तो की नुकसानात होंगे या की फायदे होंगे आ। ठीक है जी, वो उत्ते अच्छ गलबात दोस्तों शेयर करते हैं जी। सब तो पहले तो मैं ये थले लगाता जी जैक से। ठीक है जी, जैक लगा के दोनों टायर जोड़े ना इन्हों उपर चक लिया जी, देख सकते हैं जी दोनों टायर। ठीक है जी, टायर उपर चक लिया वा जी। हूँ आप इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं जी और लो गेयर के अंदर इन स्टार्ट करते हैं तो और दोस्तों दसते हैं जी कि स्टारिया का की मतलब हों वो और स्टारिया क्यों टेस्ट के अंदर इस्तेमाल की जाए। तो लिहाजा शुरू करते हैं जी, टेस्ट को स्टार्ट करो जी। जी दोस्तों, जिस तरह के टेस्ट को स्टार्ट कर दिता गया आप और जिस टाइम टेस्ट को आप स्टार्ट करना है ना, यदा एक व्हील ने ही घूमना वा, दूसरे व्हील ने नहीं घूमना। ये इधरला व्हील रोक जो हाथ में जिस तरह कि इधरला व्हील रोक दिता गया वा और इधरली साइड वाला व्हील जरा वो चलना शुरू कर दिता वा। ठीक है जी, अगर इसे व्हील तू बैक घुमा वा, बैक घुमा इसे व्हील में, इसे व्हील जिदा जिदा वो बैक घुमाएगा इधरला व्हील जरा उन्नी स्पीड करेगा। इधर व्हील में असं बैक घुमा रहे हैं और इधरला व्हील जरा वा उन्नी ज़्यादा स्पीड यदि आ रही है क्योंकि इधरले जी पावर हैगी है वो इधरली साइड पर आ रही है, स्टारियाँ जीडिया पावर इधर लैके आ रही हैं। ठीक है जी, इस तरह हूँ आप टेस्ट की हल्की जी ब्रेक लगा के दोस्तों चेक करवाने कि ये अंदर स्टारियाँ जीडिया वो की हरकत कर रही हैं और की फायदा होंगे जी। दोस्तों, जिस तरह के एक टायर की जी है वो ब्रेक में दबाया गया, ब्रेक में दबाया गया वा और दोनों टायर जोड़े है वो दी सेम स्पीड वा, दोनों की स्पीड जी है ब्रेक दबा रोकिया टायर उधर भी देख लिया करो। जी दोस्तों, जिस तरह के पहले उन्हें ब्रेक ज़्यादा लगाती सी, ब्रेक हल्की नहीं लगाई है और दोनों टायरों की स्पीड जी सेम है, हल्की जी ब्रेक लाने के नाल। और अगर आप ब्रेक छड़ दे दी, ब्रेक आप छड़ दिती है और नाले इस टायर की स्पीड बढ़ गई है, लिहाजा यदा मतलब यह है कि ये स्पीड बढ़न का ताकि चक्कर स्टारियाँ जड़िया अपने पूरे लै रही, चक्कर जी स्टारी आपका पूरा लै रही थी और एक व्हील में रोकन के नाल दूसरी साइड उपर चक्कर जोड़े वध गए। ये चक्कर क्यों बधे है कि इधरली साइड की जी पावर हैगी है थोड़ी, वो भी इस टायर के अंदर आ गई। स्टारियाँ का मतलब यही हों कि अगर इनू तुम हम डिफेंशन लाक लगा दो तो समझ लो दोनों टायर घूम गए, यानी कि अगर स्टारियाँ ना हो ट्रैक्टर जरा वो ये मोड़ के उपर मुड़न के बहुत देर नुकसानात हो गए, कड़ा पीनियन भी बन सकते हैं, होर भी वजूहत कई बन सकियां वा। तो स्टारियाँ के बारे दोस्तों ने पूछा कि मैं कहा दोस्तों स्टारियाँ के बारे दसा कि स्टारियाँ की चीज़ वा, तो स्टारियाँ जीडिया वो किस तरह थोड़ी एक व्हील की पावर जी दूसरे व्हील पर ले जाए कि अंदर कोई चीज़ जी है वो स्टारियाँ या कोई होर चीज़ टुटन की वजूहत ना बने। इस तरह फिर ब्रेक लगाना हल्की जी, जरा यह देखो जी हल्की जी ब्रेक लगाई है उस व्हील की कि पावर जी दोनों सेम मिले और जो पावर दोनों सेम मिल रही हैगी है तो उस टाइम देखो दोनों ही टायरों के चक्कर जोड़े वो बराबर आ रहे हैं, तो जो ब्रेक छड़ देनी है दूसरा व्हील जोड़ा वो उन्हें तेजी तेजी कर लेनी है, लिहाजा ब्रेक छड़ती है इधरले व्हील के चक्कर जोड़े वो ज़्यादा हो गए। एक टायर ही घूम रहा वो जी इस टाइम, इन पिछे न घुमाओ टायर में जी, टायर घुमा मैं उत्ते वजन पाने का नहीं क्या जी। दोस्तों, एक टायर पिछे न घूम रहा वा, दूसरा जरा वा अगे उन्नी ज़्यादा वो स्पीड हो रही है, यानी कि इधर उधरले टायर की जी पावर है अंदर जी अंदर स्टारियाँ दे रही सी पावर वो दूसरे टायर के उपर जी है वो आ गई है जी पावर। इस तरह अगर आप डिफेंशन लाक लगाइए, डिफेंशन लाक लाना जरा यहाँ थोड़ा वजन पाए थे, हाँ ठीक हो गया बराबर कर दिया। यह देखो जी डिफेंस लाक जिस टाइम लग जाना वा उस टाइम समझ लो दोनों व्हीलों की पावर जी सेम हो गई है,
लिहाजा जो दोनों व्हीलों की पावर एक हो जाती है डिफेंशियल लाक लाने के नाल उत्थे इस चीज़ का खास ख्याल रखो कि ट्रैक्टर नूं कटाई नहीं करनी किसी पास भी। अगर तुसीं ट्रैक्टर की कटाई करोगे ट्रैक्टर नूं मोड़न की कोशिश करोगे जो ट्रैक्टर नूं मोड़ना वा एक व्हील जिहड़ा गा हल्का जिहा रुकदा हुंदा दूसरा साइड जिहड़ी हैगी उह खिंच लैंदी उहनूं लिहाजा इहदे नाल तुहाडा अंदरों नुकसान हो सकता वा। जदों भी डिफेंशियल लाक लगाना वा उदों ट्रैक्टर का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा होना चाहिए वा और कोशिश करो कि ट्रैक्टर नूं झटके भी ज़्यादा ना मरवाए जाण। अगर झटके मरवाओगे तो इहदा ज़्यादा नुकसान होएगा क्योंकि कटाई दे विच जदों टायर दोनों इकट्ठे जोर ला रहे हैगे आ उदों इहदी कटाई नामुमकिन हो जाती है ये कटाई नहीं इहदी होएगी तो लिहाजा इहदे नाल ही इजाजत चाहुंदे आ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के नाल फिर दोस्तों नूं शेयर करांगे जी। अल्लाह हाफिज़ जी।